बर्गर। बर्गर की रेसिपी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक बन, बन जो है इतना सॉफ्ट है, दिल कर रहा है इसके ऊपर मैं सर रख के ना सो जाऊं, और बीफ चाहिए, बाकी सारे शशके आप पे हैं। ये क्लासिक अमेरिकन खाना पूरी दुनिया में खाया जाता है, हर कंट्री और हर शेफ इसको अपना टेस्ट देता है। We have found two perfect contestants for this video. एक तो मैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और दूसरा आहद जो 18 साल से रोज खाना खा रहा है। तो क्या ज्यादा पैसों का मतलब एक बेहतर बर्गर है? और इज सिंपलिसिटी द वे टू गो? आज हम ट्राई करने वाले हैं बर्गर्स रेंजिंग फ्रॉम 130 रुपीस टू 2000 रुपीस। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर में जो मशहूर ही सिर्फ खाने के लिए है। Yes, you guessed it right, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। यकीन करो हम सही में इस्लामाबाद मौजूद हैं, वी आर स्टार्टिंग अ फूड सीरीज हियर। हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल बर्गर स्टॉप नगीना बर्गर पे। Our first burger of the day is simple but also kind of complicated. जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक authentic American burger बनाने के लिए all you need is bun and beef. लेकिन यहाँ पे तो beef को equation से ही बाहर निकाल दिया और उसकी जगह अंडा और शामी आ गया। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद है जी नगीना बर्गर F10 में और आहद मेरे साथ। खैर, नगीना बर्गर हमारे पास आ चुका हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ट्राई करते हैं यार, अब डिप करेंगे सॉस और चटनी दोनों। सॉस का मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट आ गया। ओह, इतना मज़े का बर्गर है ना, ये मज़ा आ गया। सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है, अंडा जो है ना बहुत ही ओवरवेलमिंग टेस्ट है उसका। कबाब का मुझे ऐसा टेस्ट नहीं आया, अंडा बहुत ज़्यादा, कैचअप का टेस्ट, रायते का टेस्ट, और उसके अलावा कबाब का तो मुझे नहीं आया, लेकिन इसके अंदर जो सब्ज़ी वब्जी है, अनियन आपको नज़र आ रहे हैं, उसका टेस्ट है। बन इसका इतना मज़े का है, सॉफ्ट और फुल टोस्टेड बन है। ओवरऑल मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है बर्गर, स्पाइसेस वगैरह मुझे लग रहा है इस तरह नहीं यूज़ हुए हुए। बाकी अब आहत बताएगा क्या सीन है। यार बेसिक अंडा शामी बर्गर, उसका टेस्ट है, अंडे का टेस्ट मुझे पैटी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर आप 130 रुपये देते हैं तो ठीक है, अगर आप F10 में हैं और 130 रुपये देते हैं तो आपको वर्थ इट टेस्ट मिलेगा। अच्छा यार, अगर मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ तो इतना कोई ख़ास मज़े का बर्गर नहीं है। जो आप अगर अंडा शामी के बारे में बात करो ना, तो एक उसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो इस बर्गर में ऑनेस्टली नहीं आ रहा। मतलब मेरे ख्याल से कि और ज़्यादा हो सकता था, 130 रुपये हाँ F10 में थोड़ा सा मुनासिब है, बट मेरे ख्याल से जो अंडे शामी का लव सुन के एक आपको क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग इस बर्गर में नहीं है। तो आ जाओ फिर नेक्स्ट बर्गर पे चलते हैं। अच्छा, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने इस एपिसोड की सेकंड जगह पे, 1000 रुपीज़ वाले बर्गर पे। हम लोग मौजूद हैं TBC द बर्गर कंपनी F6 बेवरली सेंटर इस्लामाबाद में। तो आ जाओ यार ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं इनके डबल स्मैश बर्गर ट्राई करने। बीफ स्मैश्ड एंड सीजनड, द बेकन इज फ्राइड टिल इट्स क्रिस्पी एंड जूसी, चीज, वेजिटेबल्स और इनकी स्पेशल सॉस, ये सब वो एड ऑन हैं जो कि इस बर्गर को और ज्यादा मजेदार कर देते हैं। अच्छा, तो हमारे इस एपिसोड की नेक्स्ट बर्गर प्लेस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, TBC द बर्गर कंपनी F6 बेवरली सेंटर में हम लोग इस वक्त हैं। और जो बर्गर है बहुत ही खूबसूरत किस्म का मेरे पास आ चुका हुआ है, दिस इज कॉल्ड द TBC डबल स्मैश। और इसके अंदर हम लोगों ने बस एक चीज़ है कि बीफ बेकन हमने इसके अंदर ऐड करवाया। अच्छा, तो बर्गर मेरे सामने आ चुका है। पहले मैं अगर आप लोगों को फर्स्ट लुक बताऊँ, बन जो है इतना सॉफ्ट है, दिल कर रहा है इसके ऊपर मैं सर रख के ना सो जाऊँ। तो भाई सॉफ्ट बन है, मज़े का है, ऊपर इनके सेसमी सीड्स हैं। उसके अलावा बर्गर जो है इसके अंदर डबल पैटीज हैं, ऊपर चीज़ है, इनकी स्पेशल सॉस है, हेलपिनोज हैं, अनियंस हैं, और ऑफकोर्स बीफ बेकन है जो कि हमने इसके अंदर डलवाया। तो और टाइम ही ज़ाया करते हैं एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। अच्छा, ऑनेस्टली जो पैटी है ना, उसने चार चांद लगा दिए इस बर्गर के ऊपर। इतना मज़े का पैटी है, क्रिस्पी पैटी है, प्रॉपर वो जो बीफ के पैटी का टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट यहाँ पर मौजूद है। बहुत मज़े का बर्गर है, इनकी जो इनकी स्पेशल सॉस है इसके अंदर वो भी बहुत ही आउट क्लास है। ओवरऑल बर्गर का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है, हेलपिनोज वगैरह, ओवरऑल मुझे समझाना नहीं हर टेस्ट, लेकिन नो डाउट बहुत मज़े का बर्गर। अच्छा, पैटी जो है, बहुत सारे बर्गर प्लेसेस होती हैं जिनको ऑनेस्टली पैटी नहीं बनाना आता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट का बैट सीन ये हो जाता है कि पैटी जो है आपके मुंह में जाके घुल जाता है, आपको पैटी का टेस्ट ही नहीं आता। ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन देयर जस्ट राइट, पैटी जो है ना आपको फील होता है कि आप उसको बाइट कर रहे हो और आप उसको च्यू करके
काम कर रहे हो या उसको बुला रहे हो, उसकी वजह से पैटी इनका आउट क्लास से बहुत मजे का। अब मैं आहत को कहूँगा कि ये ट्राई करें। मैं पहले बता दूँ, आई एम नॉट गुड एट रिव्यूइंग, या तो मैं हाँ बहुत अच्छा है ना बहुत नहीं है, इस तरह होता है। खैर लेट्स सी, फर्स्ट लुक तो बहुत मजे का है, फुल प्लीजिंग है, बहुत चीज़ भी नज़र आ रहा है और ड्रिप आउट भी कर रहा है। खैर इट्स राइट, सर वेरी नाइस, बहुत मज़े का, मतलब आइटमों में जाता है घुल जाता है। बेकन जो है वो फील होता है आप चेव कर रहे हो, तो जैसे बन भी बहुत मज़े का, तो लाइक ओवरऑल टेस्ट इज़ वेरी नाइस। अच्छा अब हम दोनों आ चुके हैं, दोनों बाइट लेंगे इसकी एक लास्ट। हाँ चीयर्स, बड़ी बाइट लेनी है। ओके इसमें तो मज़ा आया। अच्छा इस बाइट में मुझे जो बीफ बेकन है ना उसका टेस्ट आया, उसकी फील आई है। बीफ बेकन बहुत मज़े का लग रहा है इस बर्गर के अंदर। हैलोपीनोस का भी टेस्ट आया, मेरे ख्याल से सिर्फ हैलोपीनोस की वजह से ये थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, बट बिल्कुल ठीक स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत कम स्पाइसी भी नहीं। ये बस मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसके अंदर स्पाइस ज़रूर है। हाँ स्पाइस है और बहुत मज़े का, मज़ा कर रहे हैं बिल्कुल। और जो असल टेस्ट है ना बर्गर का वो सॉस की वजह से आ रहा है, जो कि ऑनेस्टली बहुत मज़े की सॉस है। बीफ बेकन उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पेटी है ना तो वो बहुत अच्छा फील आ रहा है बिल्कुल। पेटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ ना वो पेटी घुल जाता है और बीफ बेकन च्यू कर देता है। अच्छा गलत बोले, मुझे नहीं आता भाई। यू टू स्लो, हम रेस लगा रहे थे, मैं मज़े लेके खा रहा हूँ भाई। इट्स ऑलवेज अ रेस। अच्छा जी हम लोग अपने थर्ड बर्गर स्पॉट पे पहुँच चुके हैं। दिस इज़ कैफ़े रस्टिक इस्लामाबाद और ये बर्गर आप लोगों के सामने है। दिस कॉस्टेड अस 2000 रुपीज़, बट भाई बहुत बड़ा बर्गर है, 180 ग्राम का ये एक पैटी है जो कि इसके अंदर दो डले हुए हैं और सॉसेज, और एक्सट्रीमली मेसी बर्गर है। कैफ़े रस्टिक इस्लामाबाद के सेक्टर E7 में लोकेटेड है एंड देर नोन फॉर देर एक्सपेंसिव बर्गर्स। आज हम ट्राई करने वाले हैं कैफ़े रस्टिक का सर्फ एंड टर्फ बर्गर विच कॉस्ट 2000 रुपीज़। दीज मॉन्स्टर्स 180 ग्राम पैटीज आर सीजन्ड एंड ग्रिल्ड टू अ मीडियम टेम्परेचर अलॉन्ग विद द पाइनएप्पल। द बंस आर स्प्रेडेड विद देयर स्पेशल सॉस, दे ऐड लेटस, मोर सॉस, cucumbers, onions, cheese, jalapenos, prawns, a lot more sauce. Finally, the burger is seasoned and is ready to serve. The burger is served with some onion rings and some sweet potato fries. अच्छा जी हम लोग इसको ट्राई करने लगे हैं और इसको उठाना कैसे यार? उफ़ अल्लाह भाई बहुत बड़ा बर्गर है and this is gonna get messy 100%। भाई ये किलो का तो मुझे बर्गर लग रहा है यकीन करो। अब बाइट लेते हैं, इट्स गोना गेट मेसी 100%, बट लेट्स सी। ओह माय गॉड। अच्छा बर्गर जो है इट्स एक्सट्रीमली मेसी, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बट फ्लेवर्स यार इतने ज़्यादा फ्लेवर्स है इस बर्गर में, मतलब आपको हर किस्म की सॉस जो है हिट करती है। इनकी वाइट सॉस है, इनकी रेड सॉस है, उसके अलावा बर्गर के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या क्या है, हैलोपीनोज़ हैं अंदर, ग्रिल्ड पाइनएप्पल है, दो बहुत ही बड़े पैटीज़ हैं, 180 ग्राम्स की ये पैटीज़ हैं दो, और बहुत ही बड़े, ऑनेस्टली बहुत भारी फील हो रहा है। उसके अलावा पता नहीं दुनिया जहाँ की सब्ज़ियाँ हैं, लेटस है, कोरिएंडर, पता नहीं क्या क्या, बट बहुत ज़्यादा फ्लेवर है इस बर्गर में। मतलब जो एक सिंपल अमेरिकन बर्गर होता है ना उससे ये बहुत दूर है, ये इसका भर नाम बर्गर नहीं कुछ और होना चाहिए। इट्स रियली गुड। अच्छा जो पैटीज़ हैं, पैटीज़ आर वेरी टेस्टी, पैटीज़ जो हैं प्रॉपर लग रहे हैं, जिस तरह वो जो स्टेक वाले पैटीज़ होते हैं ना वो वाली मुझे फील आ रही है। और मतलब एक स्टीक आप खाते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार ये एक मीडियम वेल सी जगह है। आप अगर अंदर से देखो तो जो पैटीज़ हैं वो हल्के हल्के से रेड भी हैं, जो कि बहुत मज़े के लग रहे हैं मुझे तो। तो हाँ अच्छा बर्गर है यार, अब आहा ट्राई करेगा। ये क्या किए तूने बर्गर का? बर्गर के अंदर खड्डे हैं इसमें। उफ ओ शिट। खैर फर्स्ट बाइट। ब्रो पहली बाइट में मुझे सीधी सी याद आ गया, वैसा फील है थोड़ा सा। बहुत मज़ेदार फ्लेवर है, मैं एक दफ़ा और बाइट लेके चेक कर दूँ मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। वेरी नाइस सर, दिस इज़ रियली गुड। प्राइस
ठीक ठाक लंबे हैं, वेरी इंप्रेसिव। ये जो सॉस है ये बहुत मज़े की है, स्वीट पोटैटो के साथ मज़ा नहीं आ रहा इसका, लेकिन फिर भी मैं खा रहा हूँ। अनियन रिंग्स मैंने ट्राई किया ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हाँ मतलब इस तरह वाले तो ठीक थे। मुझे ट्राई किया ये, हाँ मैंने किया था ना ट्राई, इधर कहीं पे रखा था मैंने आधे से खा के। लाइक मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे अब एक चीज़ तुम नई चीज़ ट्राई कराओगे मैं तब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक दो तीन दफ़ा नहीं खा पाऊँ खाऊँ उसे। फिर मैं टेस्ट बर्ड्स एक्सेप्ट, सही बोल रहा हूँ ना, स्वीट पोटैटो फ्राइज अच्छा, जैसे पहले मुझे क्रिस्पी सा पोटैटो फील हुआ, उसके बाद एकदम से स्वीटनेस मुझे आई है, अजीब थोड़ी अजीब सा इनका टेस्ट है, क्रिस्पी है, सॉस हल्के से मीठे हो गया, मुझे तो अच्छी लगी है सॉस, पर बड़े डिफरेंट से फ्राइज हैं, दे आर नॉट योर यूजुअल फ्राइज ऑब्वियसली क्योंकि पोटैटो डिफरेंट है, दिस इज स्वीट पोटैटो, बट शुरू में आपको क्रिस्पीनेस सी फील होती है, उसके बाद आपको मिठास ही फील होती है। अनियन रिंग्स वेरी क्रिस्पी, अच्छा इसमें क्रिस्प इतना ज़्यादा है कि मुझे अनियन का टेस्ट नहीं आ रहा, अनियन का बहुत एक हिंट सा है, ज़्यादातर आप कह लो कि आप एक जिंगर पैटी का जो वो क्रिस्पी वाली चीज़ होती है ना, समझ लो आप वो खा रहे हो बस, ऐसे कोई टेस्ट नहीं, हल्का सा स्वीटनेस ही इसका टेस्ट आ रहा है, हाँ हल्का सा स्वीट सा वो जिंगर वाली जो चीज़ होती है ना क्रिस्पीनेस, बस वो फील हो रही है। अनियन का खास इतना मुझे कोई नहीं आ रहा टेस्ट। एक अच्छा बर्गर बनाने के लिए यू डोंट नेसेसरली नीड एक्सपेंसिव एंड हाई एंड इंग्रेडिएंट्स। Out of the three burgers, I feel like the double smash from TBC was my favorite. Now, I know this isn't a fair comparison क्योंकि अंडे वाला बर्गर की तो अपनी ही फैन बेस है। अंडे वाला बर्गर आप तब खाते हो जब आपको उसकी क्रेविंग हो रही हो या आप कहीं फिर रहे हो और आपका बजट थोड़ा टाइट हो, एंड इट्स टेस्टी एंड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। Whereas going to Rustic is not only about the food but also the experience that comes with it. मतलब और कितनी ही जगह हैं जो आपको इन monstrous patties के ऊपर prawns, pineapple, उनकी sauce से इतना बड़ा burger बना के दे दें। I mean बाद में जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैं उनकी school की fee क्यों नहीं दे रहा, I can tell them कि यार मैं सारी savings तो इस burger पे लगा चुका हूँ। But no, jokes apart, Rustic, अंडे वाला burger और TBC, all of these were great burgers. और मैंने आप लोगों को अपना ओपिनियन तो दे दिया, नाउ इट्स फॉर यू टू डिसाइड, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स इन तीनों में से आपका फेवरेट बर्गर कौन सा था। बाकी डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।